हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से आज आ गई हूँ एक नया सा वीडियो लेके, तो आप सब देखो। और पहले मैं माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि ये भी मैंने हिंदी में बोलने की कोशिश की हूँ, अगर कुछ गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने फेस को क्लीन कर लिया है वेट वाइपर से, बहुत ज़रूरी है स्किन को प्रिपरेशन करना। फिर मैं आँखों के मेकअप के लिए मैं आई शेडो शील्ड लगा ली हूँ, ताकि मेरा एक प्रॉपर गाइडलाइन मिले आई मेकअप का। उसके बाद मैं आईब्रो को स्पूली से अपवर्ड कॉम कर रही हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी है, इससे पता चलता है कि आईब्रो का प्रॉपर शेप क्या है। फिर मैंने एनेस्थेशिया का ग्रेनाइट एक प्रो प्रोमेंट लिया है, आप लोग कोई सा भी ले सकते हो, ब्राउन भी ले सकते हो, ब्लैक भी ले सकते हो या ग्रे भी ले सकते हो, से आप अच्छे से उसको आईब्रो को ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद एक मेजरमेंट कर लीजिएगा कि आईब्रो प्रॉपर दोनों बराबर है कि नहीं। ये जो छोटे छोटे जो चीज़ें होते हैं कैमरे में पता चलता है, तो फिर उसके बाद मैंने ब्रो मस्कारा से आईब्रो को प्रॉपर कंप्लीट कर लिया है। मैंने बेनिफिट का ब्रो मस्कारा यूज़ की हूँ आईब्रो के ऊपर। क्लिनिक का मॉइस्चराइज़र आप लोग कोई सा भी लगा सकते हो, मैंने क्लिनिक का मॉइस्चराइज़र लगाया है, अच्छे से ये ज़रूरी है लगाना। फिर उसके बाद मेकअप स्टूडियो का एक कंसीलर पैलेट से मैंने लाइट शेड लेके आईब्रो को क्लीन अप किया, और उसी के साथ मैंने आई मेकअप का जो बेस है वो बनाया। आप लोग कोई सा भी लाइट कंसीलर से बेस कर सकते हो। फिर मैं थोड़ा सा पाउडर अप्लाई किया। तो आज मैं एनेस्थेशिया ब्रिवली हिल और हुदा ब्यूटी का पैलेट से पूरा आई मेकअप कंप्लीट की हूँ। अभी मैं क्रीज कर रही हूँ एक लाइट पिंक शेड लेके, धीरे धीरे लाइट कलर से डार्क कलर में मैं कर रही हूँ। देखिए, पहले पिंक फिर पर्पल, ब्लेंडिंग बहुत ही ज़रूरी है धीरे धीरे करके। फिर मैंने मेबलिन का एक एज रिवाइन कंसीलर ली हूँ, उससे मैं आज हाफ कट क्रीज बनाऊंगी। हुदा का मिनी पैलेट, ये नायका में अवेलेबल होता है, आप लोग भी ले सकते हो। तो लाइट जो मेटालिक कलर जो मैं दिखा रही हूँ वैसे ही कर रही हूँ। तो आप लोग कोई सा भी कर सकते हो पैलेट लेके, बस पिगमेंटेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ड्रेस के अकॉर्डिंग मैंने आई मेकअप कर रही हूँ आज। फिर मैंने ब्रोबोन में हाईलाइट कर लिया। फिर मैं थोड़ा सा ग्लिटर ग्लू अप्लाई करके उसके ऊपर थोड़ा सा शिमर दे रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप लोग दे भी सकते हो नहीं भी, ऐसे ही आप कर सकते हो और ग्लिटर भी लगा सकते हो। लाइनर कोई सा भी आप लोग लगा सकते हो, बस जेल बेस होना चाहिए। तो अभी मैं जो कर रही हूँ, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अभी मैं मेकअप स्टूडियो का एक कंसीलर पैलेट ली हूँ, उससे मैं आज जो ग्रीन कलर का कलर करेक्टर है उससे मैं ना मेरे मॉडल के आज फेस पे काफ़ी सारे रेड मार्क्स है, ग्रीन कंसीलर रेड के ऊपर मैं अप्लाई करूँगी, और आँखों के नीचे मैं पीच कलर या ऑरेंज भी आप लोग दे सकते हो। तो आज दो कंसीलर मैंने यूज़ की हूँ, ग्रीन फॉर रेड मार्क्स एंड ऑरेंज फॉर डार्क ब्लैक कलर का जो थोड़ा सा होता है उसके ऊपर। उसके बाद मैं सीधे चले जाऊँगी फाउंडेशन। आज फेंटी ब्यूटी की मैंने फाउंडेशन यूज़ की हूँ शेड नंबर 240। पहले मैं अप्लाई करूँगी, उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इवन करूँगी।
ब्लेंडिंग बहुत ही ज़रूरी है पूरी फेस पे इवेनली। तो आज भी मेरा एक क्लास डेमोंस्ट्रेशन ही है, आप लोग देख ही रहे हो, मेरे स्टूडेंट्स सब देख रहे हैं क्लास डेमोंस्ट्रेशन की जो मेकअप है। तो मैं मेरे स्टूडेंट के साथ ही साथ आप लोगों से भी मैं शेयर करती हूँ, तो हर बार की तरह ज़रूर कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आप सबको। और आपको भी अगर मेरे पास कोर्स करना है तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर मेरा दिया हुआ है, आप लोग फ़ोन कर लीजिएगा 9 से 9, सुबह के 9 बजे से शाम को 9 बजे के अंदर आपको फ़ोन करना है। बॉबी ब्राउन का क्रीम कंट्रोल मैंने यूज़ की हूँ आज, आप लोग देख ही सकते हो हम मैंने कहाँ कहाँ अप्लाई की हूँ। अब तक तो आप सबको पता हो गया होगा कि कंट्रोल कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम सब। तो इसके बाद मैं एक हाइलाइटिंग कंसीलर लगाई हूँ, तो जैसे कि मॉडल का फेस बहुत ही फेयर है तो और ज़्यादा मैंने फेयर नहीं करूँगी, इस हिसाब से मैंने फेस के अकॉर्डिंग ही हाइलाइटर भी यूज़ की हूँ। ये शेफोरा के एक बोथ साइड कंसीलर है, एक साइड पे है जो कंटूर और दूसरी साइड पे हाइलाइटर है। तो हाइलाइटर मैंने यूज़ की हूँ लेकिन कंटूर मैं बॉबी ब्राउन की यूज़ की हूँ आज। तो दोस्तों मैं फिर से एक बार सॉरी बोल रही हूँ सबको, क्योंकि मेरी हिंदी उतनी अच्छी है नहीं, मुझे भी ये पता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की हूँ बोलने के लिए। आप सब रिक्वेस्ट करते हो या काफ़ी सारे मैसेजेस भी आते हैं कि हिंदी में थोड़ा सा बोलने के लिए, तो मैंने कोशिश की हूँ दोस्तों, प्लीज़ आई एम वेरी सॉरी अगर कुछ गलती हो गए तो। कंटूर भी धीरे धीरे ब्लेंड कर रही हूँ मैं। इसे भी अच्छे से ब्लेंड करना है। अगर आप लोगों को भी ऐसा कोर्स करना है तो ये कोलकाता में होता है मेरे इधर, तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर मेरा दिया हुआ है, आप लोग कॉल करके एडमिशन के लिए फ़ोन कर सकते हो, सुबह के 9 बजे से शाम को 9 बजे के अंदर फ़ोन करने के टाइम में। अभी मैं मेकअप फॉरएवर का HD पाउडर से पूरा जो मेकअप है उसको सील कर रही हूँ। अभी मैं आंखों के मेकअप कंप्लीट करूंगी तो इसके लिए मैं थोड़ा सा लूज पाउडर लगा ली हूँ। ध्यान रखिएगा, एक बार पाउडर लगा लिया फिर उसके बाद आप कोई भी क्रीम कुछ भी अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि पाउडर से सब कुछ सील हो जाता है, उसके बाद कोई भी आप कुछ अप्लाई नहीं कर पाओगे सिवाय हाइलाइटर एंड ब्लशर के सिवा। लाइनर आप अपने हिसाब से लगाओगे, आउटर और इनर कॉर्नर दोनों साइड पे मैंने आज विंग्स बनाई है। और वाटर लाइन में मैंने PAC का एक न्यूट शेड का काजल है जो मैंने वाटर लाइन में अप्लाई की हूँ। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये क्लीनअप है, जैसे हम लोग आईब्रो को क्लीनअप करते हैं वैसे आई मेकअप भी हम लोग क्लीनअप करते हैं। जैसे ये फिश टेल है तो फिश टेल प्रॉपर नज़र आए या प्रॉपर दिखे इसके लिए थोड़ा सा क्लीनअप ज़रूरी है। फिर मैं जो एक्सेस पाउडर है उसको डस्टिंग कर ली हूँ। फिर एक ब्रोंजर लिया है मैंने, बहामा मम्मा, आप कोई सा भी ले सकते हो ब्रोंजर, पाउडर कंटूर या ब्रोंजर, ये बहामा मम्मा है। जहाँ जहाँ मैंने क्रीम कंटूर की हूँ उसी एरिया में मैं पाउडर कंटूर कर रही हूँ। नोज कंटूर भी साथ ही।
ब्लशर जो मैंने आज यूज़ की हूँ वो है मेबलिन का आफ्टर ग्लो, जो मेरा एक बहुत ही फेवरेट ब्लशर है। ओम्ब्रे शेड का है ये। हाइलाइटर मैंने क्राउन का यूज़ की हूँ। आप लोग कोई सा भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं, बस प्रॉपर वे होना चाहिए, टेक्निक ठीक होना चाहिए। हुदा ब्यूटी का जो लिप शेड मैंने आज अप्लाई की हूँ उसका शेड है मर्लिन गर्ल। बहुत ही अच्छा एक मैजेंडा कलर है। लैश कर्ल कर रही हूँ, उसके बाद मस्कारा, उसके बाद लैश लगा लूँगी। और आपको भी अगर मेरे पास कोर्स करना है तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर मेरा दिया हुआ है, आप लोग फ़ोन कर लीजिएगा। 9 से 9, सुबह के 9 बजे से शाम को 9 बजे के अंदर आपको फ़ोन करना है। अभी ये सब जो छोटे छोटे चीज़ें हैं ऑप्शनल है, थोड़ा सा मैंने ग्लिटर लाइनर लगाई हूँ, ये ऑप्शनल है, आप लोग कर भी सकते हो नहीं भी। फिर उसके बाद सीधे मैं हेयर करूँगी। जैसे कि आप सबको पता है, मैं जितना भी करती हूँ, जो भी करती हूँ, खुद ही करती हूँ हेयर का। आज हेयर काफ़ी छोटा है, ज़्यादा बड़ा हेयर नहीं है, इसको एक्सटेंशन लगा के मैंने एक रिसेप्शन लुक देने की कोशिश की हूँ आज। ऐसे काफ़ी सारे मैसेजेस आता है कि हेयर थोड़ा सा डिटेल में दिखाने के लिए, लेकिन फ्रेंड्स ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है और इतनी लॉन्ग वीडियो आप लोग भी नहीं देख पाओगे। तो मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड इस वीडियो को की हूँ, लेकिन आप लोगों को समझ में आएगा मैं कैसे क्या किया है। मैंने पहले बैक कॉम करके पफ बना लिया और फ्रंट में मैं एक फ्रिंज बनाऊंगी। तो दोस्तों, आप लोग अगर मेरे यहाँ क्लास करना चाहते हो तो ज़रूर कॉल कीजिएगा, नीचे नंबर दिया हुआ है, कॉल करके हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए। सुबह 9 बजे से शाम को 9 बजे के अंदर कभी भी आप फ़ोन कर सकते हो। ये थोड़ा मैंने स्टाइलिंग की हूँ, पुलिंग टेक्निक ऑप्शनल है, आप लोग कर भी सकते हो नहीं भी, हालांकि थोड़ा अच्छा दिखता है। आप लोग पीछे देख ही रहे हो, मेरे सारे स्टूडेंट बहुत मस्ती कर रही है, बहुत ही एक साथ उन लोगों का क्लास चल रहा है। मांग टीका ये आप लोग पहले भी लगा सकते हो, बाद में भी लगा सकते हो। फिर मैंने एक साइड से फ्रेंच ब्रेड स्टार्ट की हूँ, धीरे धीरे करके मैंने दोनों साइड से बाल लेके, बहुत ही इजी है ये, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। सामने मैंने थोड़ा सा बाल छोड़ दी थी, उससे मैं उसको थोड़ा सा स्टाइलिंग करके सेट कर दूंगी। यहाँ भी मैंने 2-3 लाइंस क्रिएट की हूँ थोड़ा अच्छा देखने के लिए। मैं
मेरी मॉडल की बाल आज काफ़ी छोटे हैं, तो इसके लिए मैंने एक्सटेंशन यूज़ की हूँ और उसी के साथ मैंने बालों के में जो हेयर स्टाइलिंग है आज कंप्लीट करूँगी। तो दोस्तों मेरे ब्राइड ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप सबको, अगर कुछ गलती हो तो भी बताइएगा। तो मेरे वीडियो अगर अच्छे लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल एंड लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कुछ और लेके बहुत जल्दी आऊँगी, अभी के लिए बाय।